द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नोज दैट ही इज हियर टू लर्न हिज लेसन्स ऑफ लव, पीस, कंपैशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस। दैट इज व्हाई ही रिमेन्स ओपन, अलर्ट, रिसेप्टिव एंड रेडी टू लर्न च्वाइसलेसली फ्रॉम वट एवर कम्स इन हिज वे। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जानता है कि वो यहाँ अर्थात इस जीवन में प्रेम, शांति, करुणा और अंतर संबंधित जीवन का पाठ सीखने के लिए है, और इसीलिए वो हमेशा सतर्क रहता है, खुला हुआ रहता है, ग्रहणशील रहता है और पूरी तरह चुनाव रहित बना रहता है उस सबके प्रति जो उसके जीवन में आता है। जीवन हमारे लिए एक लेसन ही है, पाठशाला है जहां हम कुछ सीखते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वही उसके विकास का सबसे बड़ा अवरोध होता है। अब ध्यानी का जीवन तो निरंतर जीवन में सीखते रहने का है। हम जिसको शिष्य कहते हैं, वस्तुतः उसका भी भावांतर यही है, सीखने के लिए जो तैयार हो गया है वो। अब जीवन में हम यूं तो बहुत सारे कौशल सीखते हैं, बहुत सारे स्किल सीखते हैं जो कि आवश्यक हैं जीवन के संचालन के लिए, लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं हमें उन्हें भी सीखना होता है, प्रेम को, शांति को, करुणा को और अंतर संबंधित जीवन को, इंटरकनेक्टेड लाइफ को। इसके लिए हमको बहुत सचेतन रहना होगा, बहुत जागरूक रहना होगा, खुला हुआ ग्रहणशील रहना होगा और जो कुछ भी जीवन में आता है उसके प्रति पूरा चुनाव रहित रहना होगा। चुनाव रहित होने का अर्थ यही है कि हम जल्दबाजी में इनकार नहीं करते, क्योंकि जो आ रहा है अच्छा या बुरा कुछ भी, कौन जाने वही हमारे जीवन को ज़्यादा समृद्ध करने में सहायक बन जाए, इसे तो पहले से बताया नहीं जा सकता। अब वो आने वाले घटनाक्रम, वो परिस्थितियाँ जैसी भी हों जीवन को एक दिशा देंगे, और परिस्थितियों से गुजरते हुए ही पूरी ग्रहणशीलता, खुलेपन और सजगता के साथ जो हम गुजर रहे होंगे उनके साथ ही हम अपने भीतर की शांति को ढूंढ पाएंगे, उनके साथ ही हम अपने भीतर के प्रेम और करुणा को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये सक्रिय भाव दशाएं हैं। हम जब निष्क्रिय हैं जीवन में तब वो नहीं आती, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के बीच में ही हम अपने भीतर खोज पाते हैं शांति की गहराई को, करुणा के ठहराव को, और फिर जितना ज़्यादा ये अवलोकन बढ़ता जाता है, जितना ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाता है परिस्थितियों के प्रति, तो जो लेसन्स हैं, जो हमारे पाठ हैं, हमारे सीखे हैं, वो बढ़ती जाती हैं। सर्वोपरि फिर हमारे सामने प्रकट होता है इंटरकनेक्टेड लाइफ का जगत, अंतर संबंधित जीवन का जगत, सब जुड़ा हुआ है, हम अलग थलग नहीं हैं। लेकिन इसको देखने के लिए हमको पूरे जीवन को जितने विस्तार में संभव हो उतने विस्तार में देखने का प्रयास करना होता है। अंतर संबंधित तो हम हैं ही, लेकिन बस अपने ना देख पाने के कारण, अपने ऊपर आरोपित हो गए किसी विश्वास या मान्यता के कारण हम नहीं जान पाते, हम अलग थलग बने रहते हैं। और पीड़ा भी अगर देखी जाए किसी मनुष्य की, क्या है जीवन की सबसे ज़्यादा पीड़ा भी यही है कि वो अलग थलग अपने को मानता है जो कि वो है नहीं। तो अगर हम जीवन के पूरे परिदृश्य को बहुत शांति से देखेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि सब जुड़ा हुआ है, यहाँ सब कुछ को प्रभावित कर रहा है, और ये अंतर संबंधित जीवन है, इंटरकनेक्टेड लाइफ है, इसलिए बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जीवन पूरे जीवन को संभालता है। ये बोध या ये जागृति जैसे ही ध्यानी के जीवन में आती है
उसके जीवन में शांति प्रवेश कर जाती है। क्योंकि शांति कोई कृत्रिम चीज नहीं है, शांति तो जीवन की समझ से निकला हुआ एक परिणाम है। और फिर करुणा, करुणा का भाव लोगों को लगता है कि कहीं से आरोपित करना पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे भाषा में उपयोग कर लेते, थोड़ी करुणा रखो, प्राणियों पे करुणा रखो, दूसरों पे करुणा रखो। रखो क्या, रखने की ज़रूरत क्या है? जब हम अंतर संबंधित जीवन को जान लेते हैं तो प्रेम और करुणा तो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमारा पूरा शरीर है एक, और हम शरीर को तो जानते ही जुड़ा हुआ है, और हमारा शरीर भी जानता है एक एक कोशिका, एक एक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक एक कोशिका शरीर की, एक एक अंग शरीर का एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कहीं कोई परेशानी हो दूसरी तरफ से सहायता पहुँचती है। तो क्या शरीर या शरीर की कोशिकाएं करुणा का भाव अपने भीतर रखती हैं? नहीं, करुणा उनका सहज स्वभाव है। करुणा का अभिप्राय ही यही होता है कि हम पीड़ा को जानते हैं, हम सहायता को तत्पर हैं। तो जैसे हम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हैं, आंतरिक रूप से शरीर तो करता ही है अपना व्यवहार, लेकिन हम भी तो करते हैं वैसे। उंगली में चोट लगे तो उसका ध्यान रखते हैं, चेहरे में चोट लगे, सिर में चोट लगे तो उसका ध्यान रखते हैं, पूरे समभाव से। ये नहीं कहते कि सिर पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उंगली पे कम रखेंगे। करुणा यही है, जब हम जान लेते हैं हम ही हैं चारों तरफ, हमारा ही विस्तार है, हमारा अर्थात उसी चैतन्य का, उस चैतन्य के हम भी हिस्से हैं, दूसरे भी उसके हिस्से हैं, ये अंतर संबंधित जीवन है। तो प्रेम और करुणा फिर सिखानी नहीं पड़ती, उसको हमें किसी के ऊपर आरोपित नहीं करना पड़ता, वो सहज व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए ये सब सीखना है, जीवन के सारे उतार चढ़ाव के बीच पूरी सचेतनता के साथ चलते हुए ये सारे लेसन्स हमको सीखने हैं। और जैसे जैसे हम अपने ग्रहणशीलता में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारी करुणा ये और स्पष्ट होते चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है शांति की, प्रेम की, करुणा की। वो निष्पत्तियाँ हैं, परिणाम हैं हमारी समझ के विकसित होते चले जाने के। और समझ का आधारभूत और महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन के अंतर संबंधित स्वरूप को देख लेना, जान लेना और उसे जीने लगना।